नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। ज्येष्ठ महीने में इस वक्त भीषण गर्मी के चलते लोग जहां परेशान हैं, वहीं राजधानी लखनऊ के वाटर पार्कों में गर्मी से बचने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। मौजूदा वक्त की गर्मी और बड़े तापमान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग इसे पर्यावरण से छेड़छाड़ का नतीजा बता रहे हैं। हालांकि इस वक्त शहर के स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते लोग लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने के बजाय वाटर पार्कों में ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए लोगों को आकर्षित करने के लिए शहर के वाटर पार्क संचालकों द्वारा तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, वो लखनऊ के सबसे पुराने वाटर पार्क की है, जो हरदोई रोड पर स्थित है। इसी तरह की भीड़ अन्य वाटर पार्कों में देखी जा रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग वाटर पार्कों में गीले हो रहे हैं, जहां उनकी जेब भी ढीली हो रही है, जिसका भरपूर मुनाफा वाटर पार्कों को हो रहा है। फिर भी वाटर पार्कों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। जैसा कि देख रहे हैं, प्रचंड की गर्मी है, इस भीषण गर्मी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इसी क्रम में आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लोग पानी का मजा ले रहे हैं और कहीं कहीं इस अपने शरीर को ठंडक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी परिवार के लोग अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? अमिता सिंह। कहाँ से हैं? डालीगंज से। डालीगंज से हैं, तो कहीं कहीं गर्मी से परेशान होंगे, छोटे बच्चे को लेकर आप यहाँ पे आ गए। जाहिर सी बात है। क्या कहना चाहते हैं इस गर्मी को लेकर? बस यही कहना चाहते हैं, एंजॉय करें, घर में रहें, सेफ से रहें, और क्या, बस। और वाटर पार्क में एंजॉय करें। एंजॉय करें और क्या, ये तो एंजॉय करने के लिए बनाई है। गर्मी के दिनों में ये तो मजा आती है क्या। कहीं कहीं देखा जा रहा है कि गर्मी, आज जो गर्मी पड़ रही है, कहीं कहीं हम लोगों की कुछ कम, हम लोग के जो है एक तरह से हम लोग उसकी वजह है जो आज गर्मी पड़ रही है। पर्यावरण को हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सही बात है ये, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी सही बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ना गर्मी जो है वो हम ही लोगों की बदौलत है, क्योंकि पर्यावरण का ध्यान हम लोग नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी कूड़ा करकट है, दूषित करते रहते हैं हर जगह को। इसलिए सोच समझ के पर्यावरण को स्वच्छ रखें, करना चाहिए। इसी क्रम में भैया, आप थोड़ा सा आइए, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से इस गर्मी को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जबकि इस गर्मी से राहत के लिए आप यहाँ वाटर पार्क में आए हुए हैं? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है वाकई में। इस गर्मी की वजह क्या मानते हैं? वहाँ पेड़ का सबसे ज़्यादा कटना, सबसे मेन वजह वही है, हर जगह पेड़ टूट रहा है, उसी की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ आम्रपाली वाटर पार्क में आए हुए हैं, यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं, यहाँ की क्या खास बात आपको दिख रही है? कुछ ज़्यादा खास बात तो नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो पानी तक यहाँ का गर्म है। बस पानी मिल जा रहा है ठंडा थोड़ा, वो भी ठंडा पानी कहीं कहीं है, कहीं कहीं तो ज़्यादा गर्म पानी है। साल 10 या 5 पेड़ रोजाना लगाना चाहिए, रोज लगना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के होते अपने अपने हिंदुस्तान में पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादातर हो रही है, कि किस पर कोई रोक नहीं हो पा रही है। अगर प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाता है, तभी इस पर्यावरण को देखते हुए इस मौसम को आने वाले सालों में टेम्परेचर कम हो सकता है वातावरण। फिलहाल बड़ा अच्छा संदेश आपने दिया भैया। आपका क्या नाम है? सामने आइए। मोहम्मद अरबाज। अरबाज भाई कहाँ से? मलियाबाद से। मलियाबाद जी, क्या कहना चाहते हैं इस गर्मी को लेकर? किसको? गर्मी को लेकर क्या कहना? गर्मी तो बहुत है यार, लाइट कट रही है। जी बिल्कुल, बहुत कट रही है, रात में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत कंट्रोल सॉरी, पानी में डुबकी लगाना है, पानी का सहारा ले रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, यही करने, बिल्कुल यही करने आए हैं हम। बिजी थे फिर भी लाइट रात में 2-3 बार लग रही थी, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा, नीचे जा रहा, सोचा यार पानी 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 करके जो है एंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद नदीम। नदीम जी क्या कहना चाहेंगे इस गर्मी को लेकर? गर्मी बहुत हो रही है, सभी लोग आम्रपाली वाटर पार्क में मजा ले रहे हैं, सब गर्मी का आनंद ले रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। एक तरह से देखा जाए गर्मी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, किंतु सामने पानी हो, वाटर पार्क हो, नदी जैसा, समुद्र जैसा नजारा हो, लहरें उठ रही हो, तो क्या बात है, गर्मी तो छू मंतर हो जाएगी, एंजॉय कर रहे हैं इसी तरह। सर के हमारे भारत सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि नरेगा में जैसे हम ये कहना चाहता हूँ, भारत सरकार जैसे नरेगा में रुपए खर्चा करती है, अगर ये पर्यावरण पे खर्चा किया जाए, नरेगा काम रुकवा के हर प्रधानों से पेड़ लगन लगवाते, खत्म हो सकती है। इसी क्रम में कुछ युवा और हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। पानी है, शरीर को तरावट मिल रही है, ठंडक, क्या कहेंगे भैया इस गर्मी को लेकर? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, उसको देखते हुए ये जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, बिल्कुल
बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए, ये युवा है और इस युवा अवस्था में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, इन बच्चों से भी हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? काजल। कहाँ से रहने वाली हो? संडीला से। संडीला से। संडीला से आप यहाँ पे आई हो, शायद गर्मी से आप परेशान हो तभी यहाँ वाटर पार्क। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। बहुत। तो लोगों को क्या संदेह, आप लोग पढ़ने लिखने वाले छात्रा हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा इस गर्मी की वजह क्या है? अरे गर्मी बहुत हो रही क्योंकि पेड़ इतने काटे जा रहे हैं इसलिए टेम्परेचर हाई हो रहा है, ये और इतने मतलब इतने मशीने वगैरह सब फैक्ट्री के धुआं निकलता है वही सब, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है इसलिए। तो हम लोगों को पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए निश्चित रूप से। ये लोग जो यहाँ के युवा पीढ़ी यहाँ पर आए हुए हैं, निश्चित रूप से लोग जान रहे हैं कि गर्मी की वजह क्या है, प्रकृति के संरक्षण के लिए, वृक्षों के कटान को रोकने के लिए वह बात यह लोग भी कह रहे हैं। किंतु आज देखा जा रहा है कि इस गर्मी को लेकर लोग यहाँ वाटर पार्क में राहत की सांस ले रहे हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।